भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्या कमलनाथ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को धोखा दे देंगे? नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कमलनाथ को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलनाथ को ऑफर आ रहे हैं। कमलनाथ को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और इसी बीच में कमलनाथ की नाराज़गी कांग्रेस पार्टी से खास तौर पर जाहिर होती हुई भी नज़र आ रही है। इसी बात के मायने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ दल बदल लें और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो जाएं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर VD शर्मा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उनके बयान के आधार पर ये कहा जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जब हुआ था तब ऐसे कांग्रेस के चेहरे सामने आए थे जो कांग्रेस पार्टी से ही खफा नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन के न्योते को साफ तौर पर इनकार कर दिया था, राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार करते हुए नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिसमें से उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जिक्र किया कमलनाथ का, और ये कहा कि कमलनाथ भी यहाँ पर एक ऐसा चेहरा है जो राम मंदिर के दौरान पर कई ऐसे बड़े काम करते हुए नजर आए थे जो समर्पित राम मंदिर को थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के खुले हुए हैं। लेकिन क्या कमलनाथ वाकई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे या नहीं, इस बात को लेकर और छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। बहुत लंबा है और सबसे बड़ी मुझे चिंता नौजवानों की। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट दिया। मुझे याद है यहाँ गिने चुने गांव में बिजली हुआ करती थी, गिने चुने गांव याद है ना, सब पुराने लोग हैं। इन बच्चों ने तो वो समय देखा नहीं है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े, सड़कों की बात हुई और सुविधाओं की बात हुई, धीरे धीरे आगे बढ़े। पर आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के, पर आज का नौजवान क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा? आज का नौजवान जो नई पीढ़ी है वो सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान में एक तड़प है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले, ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ मोड़ रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है, यहां आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है, आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा में मौजूद कमलनाथ की जनसभा में कमलनाथ का ये कहना कि वो भावुक हो जाते हैं और याद करते हैं पुराने पलों को कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा के लिए काम किया। लेकिन जिस तरीके से छिंदवाड़ा में अपनी मौजूदगी पेश कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो मायने यही निकल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट लेने के लिए तैयार कमलनाथ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो ऐसे में VD शर्मा के कहने पर क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।